गढ़ और लोग नए बनते रहते, ठीक। लोहिया थे, फिर लोहिया के बाद जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोगों के हाथ में लीडरशिप रही समाजवाद की, कर्पूरी ठाकुर, जॉर्ज फर्नांडिस, ये लोग रहे। फिर नीतीश बाबू, लालू जी, मुलायम सिंह जी, इन लोगों के हाथ में आई, फिर अब नीचे आई। वैसे भाजपा दीनदयाल जी से तो शुरू करे, तो हर बार नए नक्षत्र आते हैं, बनते हैं, उनके अपने अपने स्ट्रांग होल्ड्स बनते हैं, गढ़ बनते हैं, बिखरते हैं, तो नया गढ़ बनता है, एक किला टूटता है, दूसरा बनता है। और राजनीति तो भैया उम्मीद का ही खेल है, उम्मीद छोड़ दे तो नेता कैसा। क्या भाई जीशान इधर गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल सही बात है। राजनेता के पास जितना धैर्य है किसी के पास नहीं है ना। हमको इसी उत्तर प्रदेश में जगह का नाम नहीं लूंगा, नहीं आप लोग सब बहुत स्मार्ट लोग, तुरंत पहचान लोगे किसकी बात कर रहा हूं। वो आए पिछले चुनाव की बात, विनीत शुक्ला, लोकसभा चुनाव के बाद तो आए, हमने पूछा भाई क्या रहा, बड़ा सुना, बड़ा दुख हुआ, तो चुनाव हार गए थे। तो उन्होंने हमसे कहा भैया 35 के नीचे आ गए, 35 के नीचे आ गए। अब 35 की व्याख्या मुझसे मत कराएगा, आप समझदार हैं, लोकसभा का चुनाव हो और तो 35 क्या है। तो मैंने कहा यार बिजनेस कर लेते, तुमको किसने डॉक्टर ने बताया चुनाव लड़ना? उन्होंने भैया आप देखिए फिर मतलब इलाके में रहना है तो चुनाव आप तो लड़ना ही पड़ेगा। ये है नेता, और आदमी होता 35 करोड़ को नुकसान सहता, 6 महीने अस्पताल में रहता, वो फिर कुर्ता पजामा पहने फॉर्चूनर में बैठे, बोले चलो भैया से मिल के आते हैं। ये राजनीति है और यही उसकी जिजीविषा है, यही उसकी ब्रांडिंग है। अमान खान, अनुभव चक कह रहे हैं कि दो बातें इस चुनाव में डिसाइसिव है, निर्णायक है, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा, और दूसरा वो कह रहे हैं कि बीजेपी को इसलिए थोड़ा अपर हैंड दिख रहा है उनको कि उन्होंने लोगों को फ्री राशन बांटा सरकारों ने। अमान खान देखिए अमिताभ सर, मैं बात सुन रहा था इनकी जी। अब जिस तरह से महंगाई का मुद्दा है, इन्होंने 5,000 और 15,000 की बात करी, सरकार ने अभी लायक नहीं छोड़ा 5,000 की जेब में हो जी, 100 पार पेट्रोल, 85 पार डीजल, और रही बात जो अनाज की बात कर रहे हैं, 5 किलो अनाज देके, और जो उनका सांड जिस तरह खुले हैं, आप इस वक्त स्टूडियो से निकल के ग्रामीण इलाकों में साहब जाइए, हर 2-4 किलोमीटर के बाद किसी किसान के खेत में 15 से 20 किलो अनाज उनका खाए जा रहे हैं, जितना सांड खाए जा रहे हैं उतना तो दे दो आप, 5 किलो अनाज देके, और उससे ज्यादा हम इनके सांड घूम घूम के हमारे खेतों का अनाज खाए जा रहे हैं। और महंगाई का मुद्दा है, अमन खान आप भी रुकिए। इटावा में विधायक हैं भाजपा की सरिता भदौरिया, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ, इटावा में है, उनका एक वीडियो आया मैंने देखा। पहले तो मैंने सोचा इनको फोन लगा कहूं भाई क्या बोलती रहती हो, अंडरस्टैंड पूरी ऐसा क्या बोलता है, कैसे कहां ट्रेनिंग पाए हो। वो कह रही कि तुम्हें हल्दी चावल दिए हूं, दाल जाने क्या क्या बता रही हूं, नमक सब खिलाए हैं, सब दिए झोला भर भर के, सुन लेना अनुभव चक, अब नमस्ते तक का जवाब नहीं दे रहे हो तुम लोग गांव में। अरे नमक खाए हो तो कुछ तो कम से कम नमक हलाली करो, ये विधायिका बोलना पड़ रहा, बताइए ये जनता है भैया। इसीलिए मैंने कहा, मैंने फ्री साड़ी बांटने वाले हारते देखे, 5 बर्तन हर गरीब को देने वाले हारते देखे, पूरी कलारी खुलवा देने वाले हारते देखे। विनीत शुक्ला गलत तो नहीं कह रहा? अगर राशन से ही जीत होनी होती तो फिर अखिलेश यादव को, मायावती को, प्रियंका गांधी को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था उत्तर प्रदेश में, नहीं 15 करोड़ लोगों को राशन दिया, ठीक, उतना तो वोट नहीं है उत्तर प्रदेश में भैया। विनीत शुक्ला, अमिताभ जी, निश्चित ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया है जो पिछले चुनाव में 2017 में संकल्प लिया था, उन सभी संकल्पों को पूरा करने का काम अच्छा सा हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने किया।
जमीन पर उतर करके जिस तरीके से धरातल पर काम किया, कोविड महामारी इतनी बड़ी रही, इसमें अगर कार्यकर्ता किसी का नजर आया, राशन बांटता हुआ, दवाई पहुंचाता हुआ, सिलेंडर पहुंचाता हुआ, और सरकार की तत्परता देखिए लगातार, अब आज के समय में 100% पहली डोज वैक्सीनेट हो चुका है उत्तर प्रदेश। तो हम इस तरीके से कोविड महामारी से भी लड़े, इसके बावजूद हमें लोगों को पहुंचाना या लोगों को जीवन रक्षक दवाई देनी, कुछ भी एक टेस्टिंग लैब हुआ करता था अमिताभ जी, आज 300 से ज्यादा टेस्टिंग नहीं। अच्छा विनीत बाबू एक बात ठीक है, वो सब तो हम लोग जानते हैं, एक बात बताओ उसमें फिर मैं सबकी टिप्पणी लूंगा। एक मिनट विनीत बाबू, एक बात बताओ, आपकी यानी भाजपा की दृष्टि में यह चुनाव उत्तर प्रदेश का सुरक्षा और राशन पर, इन दो मुद्दों पे हो रहा है या महंगाई और बेरोजगारी पे हो रहा है? विनीत शुक्ला ये तय, जो इसका उत्तर जान जाएगा वो ये भी बता देगा सरकार किसकी आ रही। जी जी अमिताभ जी, अभी जी अनुभव साहब ने कहा है, और ज्यादातर 99% लोगों की, मैंने कहा ना कि 80% लोग, उत्तर प्रदेश की जो जनता है 80% लोग सकारात्मक ऊर्जा के साथ, विकास के साथ हैं।